नोएडा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को दो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दो अलग अलग कोतवाली क्षेत्रों में हुए दो एनकाउंटर में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के ऊपर 25-25 हजार रूपये का इनाम घोषित था। एसडीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि ये दोनों बदमाश कौकशी की वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा आए हैं। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई और सेक्टर 41 के पास से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अपने आप को घिरा देख दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसडीसीपी नोएडा जोन ने बताया कि इन दोनों बदमाशों के पास से दो तमंचा, खोखा कारतूस, 5 कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की वैगन गाड़ी और गौकशी के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। उन्होंने बताया बदमाशों के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर पुनः गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। दूसरा एनकाउंटर कुतवाली फेस टू क्षेत्र के अनुदिता कंपनी के पास हुआ, जिसमें पुलिस बंगेल स्थित ज्वेलरी शॉप से नकाब लगाकर चोरी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा सेंट्रल के एडीसीपी साद मियां खान ने बताया कि थाना फेस टू क्षेत्र के भंगेल स्थित ज्वेलरी शॉप से नकब लगाकर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तफ्तीश के दौरान चोरी को अंजाम देने वाले अर्जुन, योगेश उर्फ लुक बहादुर, नरेश को चोरी के माल और चोरी करने वाले उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस गैंग का लीडर और मास्टरमाइंड कमरुद्दीन मौके से फरार हो गया था। पुलिस को देर रात कमरुद्दीन के शहर में होने का इनपुट मिला, जिस पर तलाश शुरू की गई और चेकिंग के दौरान थाना फेस टू क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेर लिया। कमरुद्दीन ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह भी घायल हो गया। इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है, एक वैगनार गाड़ी है जिसपे गौकशी का काफी सामान, छुरी, चापड़, रस्से, बोरे और जिस लकड़ी के पटिया पे रख के पशु काटा जाता है वो इसमें से बरामद हुआ है। इनके पास से दो तमंचे बरामद हुए हैं, दो खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस गैंग को ट्रेस करने के लिए थाना फेस टू और क्राइम टीम की टीम लगातार लगी हुई थी। आज इस गैंग के कुछ सदस्यों की लोकेशन फिर से नोएडा में ट्रेस हुई थी, जिसमें 4 अभियुक्तों को लोकेशन ट्रेस करते हुए आज दोपहर गिरफ्तार किया गया था। उस समय एक अभियुक्त फरार हो गया था, जिसको लेके सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। इसी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत।